प्रणाम जी सुंदर साची। मधुवन की किन्वित कहूं, वन जाय लग्या आसमा। पुखराज अर्श के बीच में इस सिफत न होए बया। मधुवन की अपार शोभा, ऊंचे अत्यंत वृक्ष मानो आसमान छू रहे हैं। पुखराज पहाड़ और अर्श के बीच में सुंदर शोभा लिए ये वृक्ष। मधुवन के वृक्षों की अपरंपार शोभा, इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं विस्तार से। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, परमहंस महाराज श्री जोहर दास महाराज जी कृपा। पेज नंबर 161, पैराग्राफ मधुबन की हर। महाराज श्री जी की प्रेरणा से इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। मधुवन की हद, बड़ो वन के 33 वृक्ष के आगे 8 वृक्ष और बड़ो वन के आए हैं। बड़ो वन के वृक्ष लाल चबूतरे के आगे 41 वृक्षों की 41 सारे। ताड़वन की शोभा, ताड़वन के आगे केल का मूल, केलवन के पश्चिम में, ताड़वन के उत्तर में और बड़ोवन के पूर्व में। केल के मूल की शोभा, 300 मंदिर तो पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, 488 मंदिर। इन केल के मूल के पश्चिम तरफ 17 वृक्ष से लेके 33 वृक्ष तक, इन वृक्षों में से 5 वृक्ष 17वां, 21वां, 25वां, 29वां और 33वां, ये वृक्ष केल के मूल में से होते हुए, केल वन में होते हुए आगे पाल पर गए हैं। अब 33वें वृक्ष से 41वां जो वृक्ष है, यहां तक इन 9 वृक्षों के मध्य 8 संधि हुई। आठ संधों में प्रत्येक संध 30 मंदिर, तो ये जगह हो गई 240 मंदिर। तो यहां देखेंगे बड़वन के पूर्व में 33वें वृक्ष से 120 मंदिर आगे, 120 मंदिर आगे जो वृक्ष आया है उनके मुकाबले बड़ोवन मधुवन का एक वृक्ष, उन्हें 41वें वृक्ष के मुकाबले मधुवन का दूसरा वृक्ष। ये दो वृक्ष 120 120 मंदिर के अंतर पर आए हैं। मधुवन की दो हारे और जो आई हैं वो 125 125 मंदिर के अंतर पर। इन शोभा को देखते हैं। बड़ोवन के 33 वृक्षों के आगे 8 वृक्ष और बड़ोवन के आए हैं। इन 8 वृक्षों की गिनती में इस 33 वृक्ष को नहीं लिया गया है। बड़ोवन के 33 वृक्ष के आगे 8 वृक्ष बड़ोवन की ओर आए हैं। ये जो 8 वृक्ष और आए हैं उसमें इस 33वें वृक्ष को काउंटिंग में नहीं लिया गया है। तब 33वें वृक्ष से लेकर 9वें वृक्ष में 8 चोट हुए। 33वें वृक्ष से लेकर 33वें वृक्ष से लेके 9वें वृक्ष तक 8 चोक होते हैं। ये वृक्ष दोनों तरफ जवाब देता है, दो तरफ चोक पड़ते हैं, इस वास्ते इस वृक्ष को लिया गया है। 33 वृक्ष के आगे 8 वृक्ष और आए हैं। 33वें वृक्ष से लेकर 9वें वृक्ष तक 8 चोक हुए। इन 33वें वृक्ष को इसलिए लिया गया क्योंकि ये वृक्ष दोनों तरफ जवाब दे रहा है। इन वृक्ष का एक चोक इधर पड़ रहा है तो एक चोक
इधर दाई की ओर की पड़ रहा है, उत्तर दिशा की ओर भी पड़ रहा है। तो 33 वृक्षी नौ वृक्ष में आठ चौक हुई। ये वृक्ष दोनों तरफ जवाब देता है, दो तरफ चौक पड़ता है। तीन वास्ते इन वृक्ष को लिया गया है। इन नौ वृक्षों में आठ संधि हुई। तीन आठ संधों में 240 मंदिर भर जगह होती है। 33वें वृक्ष से लेकर 41वें वृक्ष तक नौ संधि, नौ वृक्ष हुए। 33वें वृक्ष से लेकर 41वें वृक्ष तक नौ वृक्ष हुए। नौ वृक्षों के मध्य आठ संधि हुई। प्रत्येक संध 30 मंदिर की, तो 240 मंदिर की ये जगह होती है। अब इस 33 वृक्ष के आगे 120 मंदिर की दूरी पर एक हार मधुवन की आई है, फिर एक हार बड़ो वन के 41वें वृक्ष के बराबर आई है। अब ये जो 33वां वृक्ष है, इससे 120 मंदिर के आगे पूरब की ओर देखते हैं तो देखेंगे मधुवन के वृक्षों की हार। पुनः जो 41वां वृक्ष है उसके मुकाबले मधुवन के वृक्षों की दूसरी हार। पुनः शोभा को देखते हैं। अब इस 33वें वृक्ष के आगे 120 मंदिर पर एक हार मधुवन की आई है और एक हार फिर बड़ो वन के 41वें वृक्ष के बराबर आई है। इस वृक्ष के आगे 130 130 मंदिर पर दो हारे मधुवन की ओर आई है। इसके आगे 130 130 मंदिर की दूरी पर मधुवन की दो हारे आई हैं, दो हारे और आई हैं। इस वृक्ष के आगे 130 130 मंदिर पर दो हारे मधुवन की ओर आई हैं। मधुवन कील के बुल के बराबर, जो मधुवन है कील के पुल के बराबर आया है। मधुवन की शोभा कील के पुल के बराबर जाती है। ये देखिए मधुवन का निशान। मधुवन कील के पुल के बराबर आया है और कील के माई होकर आई, जो पांच हारे बड़ो वन की है। ये हारे और मधुवन की हारे दूरी वन बराबर है। कील में से जो पांच पेड़ बड़ोवन की निकली है, बड़ोवन की ये पेड़ और मधुवन की पेड़ दूरी वन बराबर शोभा दिए हुए आए हैं। मधुवन के आगे जो चार हारे महावन की है, ये हारे मधुवन के बराबर और रोसों से मिली हुई है। मधुवन के आगे जो चार हारे महावन की हैं, ये मधुवन के बराबर रोसों से रोसे मिली हुई हैं। अब यहां से पुखराज की तरफ चलना है। अब यहां से पुखराज की तरफ चलना है। तारवन के किनारे ही किनारे होकर बड़ोवन में आए। तारवन से किनारे किनारे से होके बड़वन में आते हैं। फिर बड़वन से 15वें वृक्ष से अर्थात लाल चबूतरे के आगे पूर्व से पश्चिम जो 15वां वृक्ष है या 15वां चौक है, उनमें से सीधा उत्तर मुख करके चले। ये पश्चिम से पूर्व को 26वां अखाड़ा है, पूर्व से पश्चिम 15वां अखाड़ा है। उस अखाड़े से उत्तर तरफ चल के मधुवन की किनार पर पहुंचे। तारवन के किनारे किनारे होके बड़वन पहुंचती है। पूर्व से पश्चिम जो 15वां वृक्ष है, 15वां चौक है, पश्चिम से जो 25वां चौक है, उनसे उत्तर की ओर चलते हैं। 41 वृक्ष पार करेंगे तो मधुवन की किनार पर पहुंच जाएंगे। पुनः शोभा को देखते हैं। तारवन के किनारे ही किनारे चलना है। तारवन के किनारे ही किनारे होकर बड़ोवन में आए। फिर बड़ोवन में 15वें वृक्ष से अर्थात लाल चबूतरे के आगे पूर्व से पश्चिम
जो पंद्रवा वृक्ष है या पंद्रवा चौक है, उसमें से सीधा उत्तर होकर के पुखराज को चले। ये पश्चिम से पूर्व 26वां अखाड़ा है, पूर्व से पश्चिम 15वां अखाड़ा है। उस अखाड़े से उत्तर तरफ सीधा चल के मधुवन की किनार पर पहुंचे। मधुवन के आगे जो चार हारे महावन की है, ये हारे मधुवन के बराबर और रोंसों से मिली हुई है। मधुवन के आगे जो चार हारे महावन की है, ये मधुवन के बराबर रोंसों से रोंसे मिली हुई है। अब यहां से पुखराज की तरफ चलना है। अब यहां से पुखराज की तरफ चलना है। तारवन के किनारे ही किनारे होकर बड़ो वन में आए। तारवन से किनारे किनारे से होके बड़ो वन में आते हैं। फिर बड़ो वन से 15वें वृक्ष से अर्थात लाल चबूतरे के आगे पूर्व से पश्चिम जो 15वां वृक्ष है या 15वां चौक है, उनमें से सीधा उत्तर मुख करके चले। ये पश्चिम से पूर्व को 26वां अखाड़ा है, पूर्व से पश्चिम 15वां अखाड़ा है। उस अखाड़े से उत्तर तरफ चल के मधुवन की किनार पर पहुंचे। तारवन के किनारे किनारे होके बड़वन पहुंचती है। पूर्व से पश्चिम जो 15वां वृक्ष है, 15वां चौक है, पश्चिम से जो 25वां चौक है, उनसे उत्तर की ओर चलते हैं। 41 वृक्ष पार करेंगे तो मधुवन की किनार पर पहुंच जाएंगे। पुनीत शोभा को देखते हैं, तारवन के किनारे ही किनारे चलना है। तारवन के किनारे ही किनारे होकर बड़ोवन में आए। फिर बड़ोवन में 15वें वृक्ष से अर्थात लाल चबूतरे के आगे पूर्व से पश्चिम जो 15वां वृक्ष है या 15वां चौक है, उसमें से सीधा उत्तर मुख करके पुखराज को चले। ये पश्चिम से पूर्व 26वां अखाड़ा है, पूर्व से पश्चिम 15वां अखाड़ा है। उस अखाड़े से उत्तर तरफ सीधा चल के मधुवन की किनार पर पहुंचे।